रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल और राजन ने कुछ समय पहले ही लव मैरिज की थी, लेकिन शादी से पहले दोनों में जितना प्यार था, शादी के बाद उनका ये प्यार कम होता जा रहा था। दोनों में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों झगड़ा कर रहे थे और कोमल अपने पति को कहती है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी कुत्ते से शादी कर लेती। क्या बात है, फिर तो तुम्हारी जोड़ी सही जमती उसके साथ। हाँ, कम से कम उसे एक पट्टे से बांध कर एक जगह बिठाए तो रखती। अभी भी देर नहीं हुई है, जाओ उसी से शादी कर लो। मैं भी चला जाता हूँ, किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लूंगा। क्या कहा, दूसरी शादी करोगे? जाओ निकल जाओ घर से बाहर, दफा हो जाओ। अरे ये क्या पागलपन है, बाहर कितनी रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, कहाँ जाऊंगा इतनी रात को मैं? जहन्नुम में। इतना कहकर कोमल राजन को घर से बाहर निकाल देती है और राजन देर रात घर से बाहर निकलकर सड़क पर घूमता है। कोमल को कोसते हुए कहता है, खुद को समझती क्या है ये पागल औरत, जब से शादी हुई है तब से बस अपने ही मन की चलाती है, किसी और की सुनती ही नहीं है। मैं बेचारा फंस गया इससे शादी करके। राजन ये सब बोल रहा था कि तभी उसे ऐसे रात के समय बड़बड़ाते हुए देखकर सामने से एक पुलिस ऑफिसर आता है और राजन को देखकर उसे लगता है कि राजन ने पी रखी है और वो राजन से पूछता है, ओए शराबी, इतनी रात को पीकर कहाँ घूम रहा है? क्या कहा शराबी, मैं तुम्हें शराबी नजर आता हूँ? जिस तरह से तू घूम रहा है ना इस हालत में आधी रात को, मुझे देखने से साफ साफ पता चलता है कि तू बीवी से पिट के आया है। सर ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इस बारे में मत कहो कुछ भी। अरे ऐसे कैसे पर्सनल मामला है, अब तू आधी रात को बाहर घूम रहा है, ये तो सरकारी मामला है, बता क्यों घूम रहा है तू? वो पुलिस वाला राजन से बहुत पूछता है लेकिन राजन उसे कुछ नहीं बताता और इस बात से पुलिस वाला और गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो उसे जेल ले जाने की धमकी देता है और गुस्से में आकर राजन भी पुलिस वाले को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और ये देखकर पुलिस वाला कहता है, अबे तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने एक पुलिस वाले को चाटा मार दिया खींच के? अबे एक तो इतनी रात को पी के घूम रहा है, ऊपर से पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है। अभी रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, तेरी सारी हिम्मत ना अब तो मैं जेल में जाके ही निकालता हूँ। अरे किस बात पर मुझे आप जेल लेकर जा रहे हैं, मैंने किया क्या है? साले एक तो पुलिस वाले पे हाथ उठाता है और कहता है मैंने क्या अपराध किया है, आज तो तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आज की पूरी रात तू जेल में बिताएगा, तब तेरी अकड़ टूटेगी। इतना कहकर पुलिस वाला राजन को अपने साथ जेल ले जाता है, एक रात के लिए जेल में बंद कर देता है, जहाँ पर राजन को जेल के अंदर सोने के लिए एक कंबल भी मिलता है जो कि बहुत गर्म था। और जेल के अंदर जाकर राजन कहता है, अरे वाह, मैं तो फालतू में ही डर रहा था कि इतनी रात को कहाँ जाऊंगा कहाँ सोऊंगा, लेकिन मुझे तो ऑटोमेटिक ही इतनी सारी अच्छी सुविधाएं मिल गई और एक गर्म कंबल भी, अब तो ना कोई मुझे यहाँ रोकेगा ना टोकेगा, बेझिझक आराम से सोऊंगा और सुबह को आराम से घर चला जाऊंगा। इतना कहकर राजन कंबल ओढ़कर आराम से जेल के अंदर सो जाता है और यूं ही एक रात बीत जाती है। पुलिस वाला सुबह को राजन की पत्नी कोमल को कॉल करता है और उससे कहता है, हेलो मैडम, आप राजन की पत्नी बात कर रही हैं? आपके पति पुलिस स्टेशन में है, आप आकर उसे ले जाइए। क्या कहा, पुलिस स्टेशन? लेकिन वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ किया है क्या? क्या किया, बहुत कुछ किया है, आप यहाँ आकर उन्हें ले जाइए। पुलिस की बात सुनकर कोमल हैरान रह जाती है, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसको ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। वो घबराती हुई सारे काम वाम छोड़ कर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है, वो सच में देखती है कि उसका पति पुलिस थाने में बंद है। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो हड़बड़ाती हुई पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है, सर आप मुझे बताइए कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया है जो आपने उन्हें जेल में बंद कर दिया। अरे तुम्हारे पति ने आधी रात को मेरे ऊपर हाथ उठाया है और पुलिस पे हाथ उठाने के चार्जेस में मैंने उसे जेल में बंद कर दिया। समझा देना अपने पति को, अगली बार ऐसी गलती हुई ना तो फिर से उठा के जेल में डाल दूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं समझा दूंगी, आप उन्हें छोड़ दीजिए। कोमल पुलिस स्टेशन के रजिस्टर पर साइन कर देती है और पुलिस वाले राजन को छोड़ देते हैं। जेल से बाहर आने के बाद राजन अंगड़ाई लेते हुए कहता है, अरे वाह मजा आ गया, मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस स्टेशन में भी इतनी अच्छी नींद आ सकती है। घर पर तो तुम लफड़ेबाजी करते ही थे, अब पुलिस वालों पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? अरे किसी को पता चल गया कि मेरा पति रात भर जेल में बिता कर आया है तो न जाने कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे जिसको सोचना है वो सोचे,
मुझे क्या, और तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे घर से बाहर निकालने का। अब मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो कहाँ जाता। हे भगवान, न जाने कैसा आदमी है, रात भर पुलिस स्टेशन में रुक गया, उसके बाद भी इसे कोई पछतावा ही नहीं है। इतना कहकर दोनों लड़ते झगड़ते घर आ जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। रजन शाम को काम से घर आता है और एक बार फिर से कोमल लड़ाई करना शुरू कर देती है और राजन को वो घर से बाहर भेज देती है। राजन फिर से सोने की नई जगह ढूंढता है, तभी उसे सामने पुलिस वाला नजर आता है और वो उसे आवाज देकर कहता है, और सर कैसे हो आप, सब बढ़िया? अरे रे रे, लगता है फिर तेरी बीवी ने तुझे मार के घर से बाहर कर दिया। बेटा आज कहाँ जाएगा सोने के लिए? और कहाँ जाऊंगा सर, अब दामाद हूँ तो ससुराल से खातिरदारी करवाने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। चलिए मुझे जेल ले चलिए। पागल वागल हो गया है क्या? इस बार तेरी बीबी ने तुझे उल्टी चप्पड़ मारी है क्या, जो फिर से जेल जाने की बात कर रहा है? जेल में जाना इतना आसान काम नहीं है, जब तक कोई क्राइम ना करो। अच्छा, यानी कि मुझे फिर से तुम्हें एक थप्पड़ मारना पड़ेगा, तभी मुझे जेल लेकर जाओगे। इतना कहकर राजन अब पुलिस वाले को फिर से एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से में आकर पुलिस वाला उसे कॉलर से पकड़ता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे जेल के अंदर बंद कर देता है। राजन पुलिस वाले से कहता है, सर वो कल वाला कंबल देना, वो ज्यादा गर्म था। आए क्या नींद आई थी, मजा ही आ गया था। कह तो ऐसे रहे जैसे जेल में नहीं होटल में आया हो। अरे यार दे दो उसे कंबल। अब एक रात फिर से राजन पुलिस स्टेशन में गुजारता है और चैन की नींद सोता है। अगली बार फिर से कोमल को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और कोमल फिर हैरान हो जाती है कि उसका पति एक बार फिर से जेल पहुंच गया। यूं ही कुछ दिन लगातार कोमल जब भी राजन को घर से बाहर करती तो वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए पुलिस कांस्टेबल को एक थप्पड़ जोर का मारता और हर दिन कोमल का पति जेल जाता। अब जब ये बात आस पड़ोस वालों को पता चलती है तो सब कोमल के और उसके पति के बारे में बातें बनाने लगते हैं कि उसका पति आए दिन जेल जाता है। ये सुनकर एक दिन कोमल राजन से कहती है, ये सब क्या कर रहे हो तुम, रोज रोज जेल क्यों जाते हो? पता है आसपास के लोग क्या बातें करते हैं हमारे बारे में, कितना मजाक बनाते हैं। तुम्हें नहीं पता मैं ये सब क्यों करता हूँ। अरे जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब तुम मेरी सब बात मानती थी और कहती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन शादी के बाद हर रात तुम मुझसे झगड़ा करती हो और घर से बाहर निकाल देती हो। अरे अब मैं क्या करूँ जेल ना जाऊँ तो। लेकिन तुम भी तो मेरी बात मानते नहीं हो। पति हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, और मुझे पता है आज भी जाने के लिए कहोगी बाहर। ठीक है जा रहा हूँ, रुको तो सही। इतना कहकर अब राजन फिर से वहाँ से चला जाता है जहाँ हर बार की तरह नया पुलिस वाला उसे दिखाई देता और राजन जब उसे जोर का थप्पड़ मारता तो वो पुलिस वाला उसे बस जेल में नहीं डालता बल्कि उस जेल में ले जाकर बहुत मारता भी। उस दिन होने वाली पिटाई के बाद राजन दोबारा कभी जेल जाने के बारे में नहीं सोचता। किशोर एक बहुत ही दिलफेक किस्म का इंसान था। किशोर के पास लड़कियां खींची चली आती थी। उसकी 3 पत्नी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उसमें जो लड़कियां खींची चली आए। दरअसल किशोर एक बोना इंसान था। अरे नहीं नहीं रुक जाइए, आप ये मत सोचिए कि उसके बोनेपन की वजह से लड़कियां उसे पसंद करती थी। बात तो ये है कि करोड़पति होने की वजह से लड़कियां उसके पास खींची चली आती थी। किशोर शहर का एक बहुत अमीर इंसान था। एक दिन किशोर की माँ मालती किशोर के पास आकर कहती है, अरे नलायक और कितनी शादी करेगा, 3-3 को घर में बैठा दिया है। आप भी ना माँ, 3-3 बहू आई हैं आपकी, आप तो मजे से आराम करो। 3-3 बहू आई है लेकिन एक भी ऐसी नहीं है जिसने तेरे पैसों के लिए ना शादी की हो। पैसे का क्या है, पैसे तो बहुत है, उन्हें कोई उड़ाने वाला भी तो होना चाहिए ना माँ। तो एक से करता ना, ये 3-3 क्यों बिठा दिया मेरे सर पर ऐसे पैसे उड़ाने के लिए। कोई बात नहीं, अब मूड मत खराब करो। तू शादी पे शादी करते जाए और मैं बोलू ही ना कुछ और ना ही मूड खराब करूँ, ये ठीक है, अब से कुछ बोलूंगी ही नहीं। इतना बोलकर मालती अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। किशोर कभी एक बीवी के पास जाता तो कभी दूसरी बीवी के पास जाता और एक दिन किशोर अपनी 3 बीवी प्रेरणा गीतिका और निहारिका के साथ हॉल में बैठा होता है कि तभी उसकी पड़ोसन विद्या और उसका पति विनीत आते हैं और विनीत बोलता है, अरे भाभियों जरा किशोर को तो बुला दो। तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, यहीं बैठे हैं किशोर। अरे अरे आप दोनों इन पर चिल्ला क्यों रही हो,
ये तीनों है ही इतनी लंबी कि किशोर इनके आगे दिखाई ही नहीं देता। अब तुम इतनी छोटी रह गई तो इसमें हमारा क्या दोष? ऐसे तो किशोर भी छोटा है, ओ सॉरी बोना है, तो इसमें हमारी क्या गलती? अब ना बहुत हो गया है, तुम दोनों अपना काम बताओ, किस लिए आए हो यहाँ और चलते बनो। अरे तुम सब लड़ने क्यों लग गए हो, मेरी भी तो कोई सुन लो। आपकी आवाज़ कानों तक आ ही नहीं रही। हमें भी आपकी आवाज़ कानों तक नहीं आ रही, हम इतने लंबे हैं ना इसीलिए। आई क्या फायदा है इसी लंबाई का, पति तो बोना ही है। क्या फायदा ऐसे मुँह का जब निकालने तुम्हें बकवास ही है। बस करो अब सारे, बहुत देर से सबकी सुन रहा हूँ मैं, अब मेरी सुनो सब। तुम तीनों इतना चिढ़ क्यों रही हो, और तुम दोनों का जब हंसी मजाक का स्वभाव है तो आज इतना क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं तो बस तुम सबको पार्टी में इनवाइट करने के लिए आया था। और नहीं तो क्या, आपकी ही तीन लंबी लकड़ी, ओह सॉरी मतलब तीन बीवियां लड़ाई करने लगी। कर दिया इनवाइट तो जाओ। अच्छा चलो यहाँ से, वरना यहीं पे सब शुरू हो जाओगे। हम लोग पार्टी में मिलते हैं। ठीक है लेकिन टाइम पे आना। हाँ बिल्कुल टाइम से ही आएंगे। जब तुम लोग जाओगे तभी तो हम आएंगे ना। हाँ हाँ जा तो रहे हैं। इतना बोलकर वो दोनों चले जाते हैं और यहाँ चारों पार्टी में जाने की तैयारियाँ करने लगती हैं। पार्टी में जाने के लिए तैयार होते समय प्रेरणा किशोर से बोलती है, मुझे ड्रेस बहुत छोटी आ रही है, पैसे दो मैं जा रही हूँ ड्रेस लेने। तुम जब जाओगी तो लेट नहीं हो जाएगा, और तुम्हें नई ड्रेस की क्या जरूरत है, गीतिका या निहारिका की कोई ड्रेस ले लो, बहुत अच्छी लगेगी, सब तुम्हें ही देखेंगे। लेट तो क्या ही होगा, वैसे भी तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो सब हमें देखेंगे, ऐसा लगेगा कि अपने साथ किसी बच्चे को लेकर जा रही हूँ। अच्छा जी अब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तब तो विनीत और विद्या के आगे बड़ा पति की तरफदारी कर रही थी। सच तो सच ही रहेगा ना, किसी से बहस करने से सच तो नहीं बदल जाएगा। मुझे पैसे दो मैं कपड़े लेने जा रही हूँ। इतना बोलकर प्रेरणा वहाँ से पैसे लेकर ड्रेस लेने चली जाती है और किशोर भी तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद किशोर अपनी टाई बंधवाने गीतिका के कमरे में जाकर बोलता है, गीतिका जरा मेरी ये टाई बांध देना। अपनी माँ के पास जाते ना, अब आप इतने बोने हो कि आपको इतना लंबा स्टूल लेना पड़ेगा मेरे आगे खड़ा होने के लिए। तो इसमें इतना चिढ़ क्यों रही हो? मुझे तो आपको देखकर ही चिढ़ होती है, गिल्ली और डंडे की जोड़ी लगती है हमारी जब हम कहीं साथ में जाते हैं। तो मत जाओ ना, इतना ही हो रहा है तो। नहीं ही जाती मैं, लेकिन बाकी दोनों जाएं और मैं ना जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक काम करो, तुम यहाँ बैठ कर ना अपना मेकअप ही कर लो, मैं अकेला चला जाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता है, मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। किशोर गीतिका के कमरे से भी मुंह बनाकर वापस आता है और फिर निहारिका के कमरे में टाई बंधवाने जाता है और वहाँ जाकर बोलता है, निहारिका डार्लिंग मेरी टाई बांध देना। पहले तो तुम चुप हो जाओ और ये डार्लिंग मत बोलो। क्यों क्या हो गया, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सही क्या बोला, डार्लिंग बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी को प्यार से डार्लिंग बोल रहा हो। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। यही तो दिक्कत है कि तुम मेरे पति हो। इतना ही है तो छोड़ दो ना मुझे, क्यों हो मेरे साथ? अरे बौना तो भड़क गया, अब इसने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी और मेरे खर्चे कौन उठाएगा। अरे आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी, और वैसे भी आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। नहीं बोल दो, तुम भी गिल्ली डंडे की जोड़ी है या बच्चे को लेकर घूम रही हो? आओ मैं आपकी टाई बांध देती हूँ, जाना भी तो है पार्टी में। इतना बोलकर जैसे ही तीनों बहू और बोना पति पार्टी में जाने के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मालती आकर कहती है, आज ये तुम चारों कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रहे हैं, क्यों आपको कोई दिक्कत है? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, माँ है ये मेरी। गलत क्या बोल दिया, ऐसे बाहर जाते हुए टोकना नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे उस विद्या से अच्छा लगना था और आपने जाते हुए ही टोक दिया रिश्ते में। टोका है तो अच्छा ही है ना, तुम जा रही हो तो अपने पति पर थोड़ा ध्यान भी देना, कहीं फिर कोई तुम्हारी सौता ना ले आए, मेरी चौथी बहू नहीं आनी चाहिए, पहले ही बता रही हूँ मैं। हाँ ये आपने ठीक बोला। आप इस बात को लेकर परेशान मत होना, अब तो इन पर मेरी बराबर नजर रहेगी। नजर तो मेरी भी रहेगी। ऐसी नजर रखने का भी क्या फायदा, तुम दोनों के होते हुए भी मैं आ ही गई ना। तू आ तो गई है लेकिन ये ध्यान रखियो कि तेरे बाद अब कोई ना आए। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। हो गया है तो अब चल भी लो देवियो। जिसके बाद तीनों पार्टी में जाते हैं। जैसे ही वो पार्टी में पहुँचते हैं, तीनों लंबी लड़कियों के आगे एक बोना आदमी देखकर सब लोग हंसते हैं और वहीं उनके पास विद्या आकर बोलती है, अब समझ आ गया हम क्यों हंस रहे थे तुम लोगों पर, ये अब भी समझाने की जरूरत है। हमें तो समझ में आ गया लेकिन लगता है कि सबको समझाना बाकी है।
हम सब तुम लोगों की तरह नहीं है, हम में पहले ही बड़ा दिमाग है। तो थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। काश तुमने भी इसे पहले इस्तेमाल किया होता तो आज कोई तुम पर हंस नहीं रहा होता। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। नहीं रुको, मैं अच्छे से समझा दूंगी। तुम सब हंस क्यों रहे हो? जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी हाइट से, तो आप लोगों को क्यों पड़ रहा है? हाँ, छोटी इनकी हाइट नहीं, आप लोगों की सोच है। और वैसे भी ये जैसे है हमें बहुत पसंद है और इन्हें हम पसंद है, तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लंबे हैं तभी तो हम दोनों की जोड़ी जमती है और जस्ती भी है, लंबी पत्नी और बौना पति। जिसके बाद वो तीनों उन सब का मुंह बंद करवा देती है और तीनों की बात सुनकर किशोर को बहुत अच्छा लगता है। पार्टी इंजॉय करके वो लोग घर आ जाते हैं। किशोर घर आने के बाद तीनों को पूछता है, तुम लोगों को जब मेरी हाइट से इतनी प्रॉब्लम है तो बाहर लोगों का मुंह क्यों बंद करवा दिया? मुझे नहीं पसंद कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है। हाँ, हमें अच्छा नहीं लगता। और जो तुम मुझे इतना कुछ बोलती रहती हो? हमें माफ कर दो, हम आपकी पत्नी हैं, हमको बोलने का हक है, लेकिन कोई अगर बाहर वाला आपको कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ सही बोला निहारिका ने, हम लोगों का बोलना सही भी है क्योंकि हम प्यार करती हैं आपसे, लेकिन ये बाहर वाले, इनका कोई हक नहीं बनता। वैसे भी हम गिल्ली डंडे की जोड़ी है तो साथ में ही अच्छी लगेंगी ना। तीनों को अपनी गलती समझ में आती है और तीनों का किशोर के लिए इतना प्यार देखकर किशोर भी दोबारा कभी चौथी शादी ना करने का वादा करता है और फिर सारे खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।